हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ होता है? मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल। इस टोटल कितने होते हैं? एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं। फिलहाल केमिकल बॉन्डिंग में एस पी डी ही पढ़ेंगे। तो एस पी का मिक्सचर होगा, कभी एस पी डी तीनों का मिक्सचर हो जाएगा, तो हम लोग उसी मिक्सचर को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको 2 साल पहले एक ट्रिक भी बताया था, और वो ट्रिक नहीं है, ना किसी बुक में है और ना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता। वो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, मैं जहाँ पढ़ता था, और मैं आपको उस वीडियो में बताया था। अभी भी बता सकता हूँ, आप लोग मुझे कोई भी दे दो, कोई भी एलिमेंट दे दो, मैं उसका हाइब्रिडाइजेशन इस ट्रिक से निकाल सकता हूँ। बट उसका एक एक्सेप्शन है भैया, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा ही होगा। एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आप लोग एटॉमिक नंबर लिमिट है 24 या 28 या 30 तक आप लोग दे दो चलेगा, ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। समझे? अब कैसे अब निकाला जाता है वो आपको बता सकता हूँ मैं। जैसे मान लो अगर आप लोगों का 8 से ऊपर है नंबर, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के जो 8 से ऊपर आ रहे हैं, तो उसे हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट है टोटल एलिमेंट का, अगर वो लोग 8 से कम है तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आप लोग 18 है, ठीक है, 18, या मैं ऐसे लेता हूँ यहाँ पे AlCl3, AlCl3। अल्मोनियम में कितने होंगे? 3 होंगे, इसका कितना होगा? 21 होगा, टोटल हो गए 24। 8 से ऊपर है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, तो 3 आ गए। ये जो आएंगे वो होंगे बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 3, देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। आग बंद करके मैंने बता दिया sp2। 3 में क्या है? एक sp है, दो एक s है, दो p है। मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। किसका मिक्सचर है? ए केस का, दो पी का। कोई भी नंबर दे दो, O3। O3 में क्या चीज़ होता है? 6 × 3 18। O3 में 18, 8 से ऊपर है, 8 से डिवाइड किया, 8 2 16, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब ये 8 से कम है तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 1। तो मतलब 1 हम लोगों का लोन पेयर आ रहा है और 2 हम लोगों का बॉन्ड पेयर आएगा। 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गया हम लोगों का sp, और एक हम लोगों का लोन पेयर है तो sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन O3 का भी sp2 होगा। ठीक है, फ़र्क क्या होगा इसमें? आप लोगों का AlCl3 में और आप लोगों का O3 में फ़र्क क्या? कुछ भी नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो। ठीक है, शेप का फ़र्क, मुझे लगा शेप का फ़र्क होगा, बट वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ शेप का फ़र्क है, शेप का फ़र्क है, सही लगा था अभी देखा। शेप का क्या फ़र्क है? ये जो है ये हम लोगों का O3 है, शेप हम लोगों का क्या होगा? एंगुलर या वी शेपेड, एंगुलर या वी शेपेड। यहाँ पे 0 लोन पेयर है, तो हम लोगों का इसका शेप कैसे होगा? एक तो यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर। क्या होगा शेप? ट्राइगोनल प्लानर। आप हमको कुछ भी दे दो, आप CO2, तो टोटल कितना होता है? 12, और कार्बन का कितना हो जाएगा? कार्बन का हो जाएगा आपका 6 होगा ना, कार्बन आप लोगों का कितना हो जाएगा? कार्बन 4 होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, और यहाँ पे होगा 12, टोटल होगा 16, 8 2 16, मतलब 2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 2, हाइब्रिडाइजेशन एक एस और एक पी, एस पी होगा, CO2 sp, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, और जाहिर सी बात है sp होगा तो लीनियर ही आएगा, शेप जो होगा वो होगा लीनियर। कुछ भी दे सकते हो, 4 मिनट में आपको मैंने ट्रिक बता दिया कैसे क्या करना है। जो आपका रिमेनिंग आएगा ना, रिमेनिंग अगर वो 8 से कम ही आएगा भाई, डिवाइड करोगे तो बहुत कम आएगा, तो उसे 2 से डिवाइड करना, और जो 2 से डिवाइड करने में नंबर आएगा वो आपका नंबर ऑफ लोन पेयर होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर, जो स्टार्टिंग में आप लोग 8 से डिवाइड करोगे, अगर वो 8 से ऊपर रहा तो वो होगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, अगर 8 से कम रहा तो, जैसे 8 से कम रहा कौन से एग्जांपल होता है, BF2 में भी नहीं होगा, 7 × 14, और इधर चला जाएगा 8 से आपका 4 CH4, इसका हो गया 4 प्लस आपका हो गया 4, टोटल हो गया 8। ठीक है, ये तो 8 से कम है नहीं, 2, ठीक है, 8 के बराबर है, 8 से ज़्यादा नहीं है, तो 2 से लेते हैं, 2 4 8, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 4।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर फोर, फोर है मतलब sp3, एक s लगा सकते, तीन p लगा सकते, sp3। मैक्सिमम कितना? sp3d3। केमिकल बॉन्डिंग में इतना ही पढ़ते हैं, अब सिखाने ना लगना कि dsp2 भी होता है भैया। वो कब होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते हैं ऐसा कुछ। यहाँ पे जैसे एक s हो गया, तीन p ऑर्बिटल हो गए और पाँच d ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, पाँच हो गया d ऑर्बिटल में, एक और बना दिया। यहाँ पे इधर से स्टार्ट होता है, तब हम लोगों का d2sp भी आता है, कभी कभी ऐसे करता है तो dsp3 भी आ जाता है, dsp2 भी होता है। समझ में आ रहा है ना? dsp2, p का 2, एक s और एक d ऑर्बिटल, ऐसे ऐसे भी कंपाउंड बनते हैं। ये dsp2 रहा, ये कोऑर्डिनेशन में बनता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है कैसे क्या होता है इसमें। तो मेन कॉन्सेप्ट अभी क्या सीखना था कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे, वो ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं, सारा कुछ अगर ट्रिक से ही होता तो पूरा केमिस्ट्री ट्रिक ही हो जाता, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोगों का, मेनली शेप इंपॉर्टेंट है, तो शेप आप लोग समझते चलना कि शेप कैसे करते हैं और किस में क्या शेप आता है। और एग्जाम्पल रटना मत, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबको मालूम होता है कितना क्या होगा, बस उसी को याद रखो और उसको याद रख करके वहाँ जा करके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है ना, कितना रटोगे, आप एग्ज़ाम्पल कुछ भी बोलो पूछ लेना, तो वहाँ सॉल्व कर लेना, हो जाएगा सॉल्व, मैंने किया है आपसे भी हो जाएगा। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन रहे तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2, लीनियर शेप आएगा, लीनियर शेप कहने का मतलब है कि ऐसे रहेगा, ठीक है, 180 डिग्री, इसे हम लोग लीनियर बोलते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना था, अगर सिंगल बॉन्ड रहे, सी सिंगल बॉन्ड रहे तो हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, sp3 है कार्बन के बीच में, अगर डबल बॉन्ड रहे तो sp2 है, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हम लोग sp बोलते हैं, ठीक है। 2018 में पूछा था, ऐसा कुछ दे दिया था ऐसा करके, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर लो, यहाँ पे कार्बन कर लो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिंगल बॉन्ड से ये भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp2, ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp, और यहाँ पे इसका sp3, ये रहा इसका आंसर। कुछ ऐसा ही कंपाउंड था, पूछा था कार्बन वन कार्बन टू का कौन सा क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऐसे आपको हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे बस ऐसे ही रहने, तो अब ऐसे दे दिया मतलब हाइड्रोजन कनेक्टेड है या कार्बन कनेक्टेड रहेगा, इसका मतलब बॉस हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ऐसा ना करना कि भैया सिंगल एक ही बॉन्ड कैसे रहेगा, ठीक है। उतना बच्चे नहीं हुआ, अब आप क्लास 8 9 10 में रहते तो उतना समझाता, अब 11 12 हो और ड्रॉपर भी हो तो ना समझ के चलो। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर कर सकते हो तो कर देना, समझे। तो ऐसे सारा कुछ होता है, अब हम लोग देख लेते हैं, आते हैं यहाँ पे। अगर हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और तीन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 हो तो हम लोगों का शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 हो और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 होगा तो वी शेप्ड एंगुलर। मैंने O3 का करके दिखाया, NO2 SO2 का स्ट्रक्चर खुद से, जितना खुद से लिखोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो गया, बॉन्ड पेयर 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल CH4, CH4 आपको मैंने बताया ऐसे जा करके बनेगा CH4, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ये आप लोगों का टेट्राहेड्रल बनेगा। और एंगल कितना रहता है, एंगल भी मैंने बताया अभी, एग्जैक्ट याद करना सारा कुछ आपका। sp3 में टेट्राहेड्रल में एंगल जो रहता है वो रहता है, sp3 में एंगल रहता है 109.5 डिग्री। और आप लोगों का sp2 में जो बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर अगर 0 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन एंगल होता है 120 डिग्री और इसका होता है 180 डिग्री, बस इतना ही जानो ज्यादा ना जानो। sp3 में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 रहता है और एक लोन पेयर रहता है तो शेप बोलते हैं पिरामिडल, एग्जाम्पल PCl3 XO3, XO3 इंपॉर्टेंट है, XO3 पूछता है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आउटर में होता है आपका 8, बॉन्ड पेयर आपका बनेगा 3 और एक लोन पेयर,
ठीक है, ऐसा FeO3 का स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप लोग देख लो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 3 एंड वन लोन पेयर, तो आपका कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 3 एंड लोन पेयर 1, तो एक एस और 3 पी इज पी 3। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। एक जी का कितना बताया मैंने, एक जी का आपको बताया, एक जी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8, O3 है, तो O3 कितना हो जाएगा 18, 6 × 3 18, 8 और 18 होता है 26, 26 को 8 से डिवाइड कर लो आप, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 × 3 = 24, 2 2 1 = 1, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 3, टोटल आपका कितना हो गया 4, और 4 मतलब एक केस 3 पी। सिंपल है, बस सीखने के ऊपर है, समझे। तो ऐसे करके आप लोग इतना ही पूछेगा, अब केमिस्ट्री एक्सेप्शन होगा ही होगा। अब आप लोग जबरदस्ती बोलोगे कि भैया को रॉन्ग प्रूफ करना है, तो वो बात अलग है, बट नीट का जो क्वेश्चन पूछेगा इसी तरीका से पूछेगा। आप लोग कुछ सेकंड में बना सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला, जो कैम होता था हम लोगों का, ये लड्डू होता था, ये मतलब कैम के भरोसे जेईई मेंस का एग्जाम देते थे और कुछ भी करते थे कैम के भरोसे। तो कैम जो है ना, आपको बहुत अच्छा स्कोर करवाएगा, खास करके केमिकल बॉन्डिंग। नीट में भी वो 4 भी पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है, बट जेईई मेंस का क्या था, वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो आपका कोऑर्डिनेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो गया प्लस ऑर्गेनिक भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे आप रिएक्शन करवाते हो, कितना क्या होता है, सारा कुछ इससे आपको इजीली समझ में आ जाता है, समझे। तो अब हम लोग देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर एक के साथ देख लिए थे, पिरामिडल शेप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दो बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 2, वी शेप्ड H2O और H2S, तो इसका भी निकाल सकते हो I3+। I3+ इंपॉर्टेंट है, I3+ में याद रखना, वी शेप्ड और एंगुलर शेप बोलते हैं, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर होता है 2। जेई मेंस 2018 में 80% स्टूडेंट, 80% स्टूडेंट रॉन्ग करके आए थे। एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3-, 80% 2018 का पेपर उठा करके देखना, रॉन्ग किए थे ये क्वेश्चन, और लड्डू था ये। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3- इज 3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 डी, और दो बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है। आप चाहोगे तो स्ट्रक्चर आप लोग खुद भी बना सकते हो। तो यहाँ पे I3+ पे थे एंगुलर OF2, वी शेप्ड एंड एंगुलर बोल सकते हो, OF2 Cl2O, Cl2O का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, Cl2O क्लोरीन 14+6, टोटल हो गया 20, तो 20 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 2 16, तो 4 आएगा, 8 से कम है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 2, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 एंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज 2, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज 2, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यहाँ पे देख लो 2 है आप लोगों का, ये बॉन्ड पेयर रहा, बॉन्ड पेयर 2, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, 2 2 टोटल हो गए 4, 4 मीन्स एक केस 3 पी, ठीक है sp3। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों का 5 आता है, और pcl5 बोलते, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है pcl5, एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, ठीक है PCl5, और इसे हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसे भी आप लोग निकाल सकते हो। फॉस्फोरस में आपका 5 होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन 7 × 5 35, 35+5 = 40, 35+5 = 40, किसका PCl5 ÷ 8, 40 ÷ 8, 8 5 = 40, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 5, 5 मतलब क्या होगा, एक एस होगा 3 पी होगा, तो कितना हो गया sp3। अब बचता है हमारे पास डी, तो डी में हम लोग एक लगा देंगे, ठीक है 3 पी, 3 ले लिए, एक एस ले लिए, 4 हो गए, एक बचता है, 5 में से 4 जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बचेगा, एक डी, sp3d। अगर यहाँ पे 6 आता तो हम लोग d2 कर लेते, अगर यहाँ पे 7 आता तो d3 कर लेते, बस इतना ही जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, sp3 d3 लास्ट है।
तो इस तरीका से sp3d का हाइब्रिडाइजेशन का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा शेप कब रहेगा, जब लोन पेयर जीरो रहेगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जीरो रहेगा तो हम लोगों का शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एग्जांपल PCl5 SOF4 AsF5। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों का अगर फोर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर रहे और वन लोन पेयर रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं, सीसो और फोल्डेड स्क्वायर और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। याद रखना जो शेप बनेगा वो सीसो बनेगा। सीसो मतलब क्या होता है, ये तो पेज भर चुका है यहाँ पे। सीसो सीसो आपको समझाता हूँ, बचपन में तो यार किए होगे, मैंने तो खूब किया। यहाँ पे एक खेला है, किया मतलब खेला है, यहाँ पे एक बच्चा बैठता है और एक यहाँ पे बच्चा बैठता है, इसे हम लोग बोलते हैं सीसो। S4 बोला है ना, S4 तो S हो गया 1 2 3 4, F F F एंड नंबर ऑफ लोन पेयर सीसो। ठीक है, समझ में आ गया सीसो। आप लोग इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, S में टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट 6 7 इंटू 4 8, सॉरी 7 इंटू 4 28, 34। 34 को अगर डिवाइड करूँ मैं 8 से, 8 8 8 8 8 5 होगा नहीं, 8 4 जा 32, तो 2 आएगा 2 1 जा 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 4 एंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1। तो कितने हो गए, 4 प्लस 1, एक लोन पेयर हो रहा है, एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। सेफ मैं आग बंद करके सीसो लिख दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि अगर एक लोन पेयर हो और 4 बॉन्ड पेयर हो तो उसका सेफ सीसो आता है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखना है, तो टोटल 5 है तो 5 के लिए एक एस होगा ही होगा, 3 p होगा ही होगा, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक डी बचता है, तो एक डी होगा sp3d। समझाने के लिए आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो 30 सेकेंड से भी कम के टाइम में कुछ भी दे दो सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड बहुत है हम लोगों का टाइम, 10 सेकेंड आप भी कर लोगे, 10 से 20 सेकेंड काफ़ी क्वेश्चन देके आंसर, समझे। और फोल्डेड स्क्वायर एंड डिसऑर्डर्ड टेट्राहेड्रल भी शेप होता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो टी शेप CLF3। अब टी शेप कैसा होता है, टी शेप मतलब टी शेप, ठीक है, इसे बोलते हैं टी शेप। अब क्लोरीन हो गया, एफ 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 हो गया, एफ हो गया टी शेप। 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन में टोटल आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हो गए और इसके कितने हो गए, 7 इंटू 3, F3 है, 7 इंटू 3 21, 21 इक्वल टू कितने हो गए, 27 हो गए। तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 जा 24, 3 बचेंगे। अब यहाँ पे बोला था मैंने एक का एक्सेप्शन आता, देखो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आ गया, चलो अच्छा है कि आ गया, विदाउट एक्सेप्शन ये वीडियो नहीं हुआ, एक का तो मिल ही गया। एक मिनट देख लेता हूँ फिर से, F3 7 इंटू 3, सॉरी ये 7 होगा ना, 6 नहीं होते 7, तो ये 28, तो 8 3 जा 24, 4 नहीं भैया, यहाँ पे भी एक्सेप्शन नहीं आया, 4 2 2 जा 4, मतलब 3 आपका बॉन्ड पेयर और 2 आपका लोन पेयर। देख लेना, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बच गए। एक्सेप्शन आएगा, पहले भी मैंने बोल दिया वीडियो में, अब ऐसा नहीं कि मुझे रॉन्ग करने के चक्कर में कुछ भी कर देना, एक आधे एक्सेप्शन आएगा ही आएगा, बट क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं वो पूछ सकते हैं। तो इसका भी मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया कहाँ पे थे, सीसो हो गया, टी सेप, टी सेप का आपको ICl3 भी कर लेना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 2 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज 3, सेप आएगा लीनियर, I3 माइनस लीनियर आएगा, मतलब आँख बंद करके ऐसे कर देना, ये होगी I3, एक यहाँ है बॉन्ड, एक यहाँ बॉन्ड, ठीक है, एक यहाँ बॉन्ड लीनियर है, मीन्स 180 डिग्री। अब जो भी करो, डबल करो ट्रिपल करो, मतलब नहीं रखता, 180 डिग्री ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, पूछा था जेई मेंस में, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज 3, टोटल नंबर ऑफ जो लोन पेयर होगा I3 माइनस में माइनस है, एक चीज़ को याद रखना, तो करके देखता हूँ मैं, आयोडीन 2 3 4 7 और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस था तो एक इलेक्ट्रॉन, यही थोड़ा एक यहाँ पे एक्सेप्शन रहता,
ठीक है, माइनस दे देते, एक्सेप्शन क्या है, सही तरीका से करोगे तो माइनस भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल करके तीन लोन पेयर बना लेता है। ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, आई थ्री माइनस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर का, इस ट्विस्ट को याद रखना। ठीक है, तो ये रहा आपका आई थ्री माइनस का sp3 थ्री हाइब्रिडाइजेशन, तीन लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, आई सी एल टू माइनस, आई थ्री माइनस, बी आर थ्री माइनस, सी एल एफ टू माइनस, एक्स जी एफ टू। एक्स जी एफ टू का यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ मैं, एक्स जी एफ टू डबल 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 डबल, एक दो तीन कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, टोटल एट होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्स जी में, तो कुछ ऐसा ही रहेगा। ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लीनियर है, तो ये कुछ एफ ऐसे रहेंगे, स्ट्रेट में रहेंगे ये एफ लीनियर। अब आता है नेक्स्ट एस पी थ्री पी टू, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज सिक्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर जीरो, तो हम लोगों का जो शेप होगा स्क्वायर बाई पिरामिडल और ऑक्टाइड्रल, एग्जाम्पल पी सी एल सिक्स एस एफ सिक्स। मैंने जो ट्रिक बताया उस ट्रिक से आप लोग करके देखना। एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज फाइव एंड नंबर ऑफ लोन पेयर वन, तो हम लोग शेप बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल और डिस्टोर्टेड ऑक्टाइड्रल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया नीट में। एक्स जी ओ एफ फोर का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, एक्स जी एफ, एक्स जी ओ एफ फोर, एक्स जी ओ एफ फोर, ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये ऐसा बनता है, इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइड्रल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइड्रल, एक्स जी ओ एफ फोर। सी एल एफ फाइव एस एफ फाइव माइनस एक्स जी एफ फाइव प्लस, एग्जाम्पल एक्स जी ओ एफ फोर का ट्रिक से भी कोशिश करता हूँ, अगर निकल जाए तो अच्छी बात है। एक्स ई ओ एफ फोर 28 प्लस 8 14, 14 प्लस 28 कितना हो जाएगा 12, 42, 42 एट फाइव या 42 वन। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज फाइव और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है वन। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज फाइव एंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज वन, एस पी थ्री डी पाँच हो गए और एक छः, तीन दो पाँच, तीन दो पाँच और एक छः, ठीक है, टोटल सिक्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज वन एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज फाइव, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोग, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज फाइव एंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज वन, स्क्वायर पिरामिडल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइड्रल। एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज फोर एंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज टू, स्क्वायर प्लानर एक्स जी एफ फोर, बस ये लोन पेयर हटा दो तो एक्स जी एफ फोर आ जाएगा स्क्वायर प्लानर, बाकी निकाल लेना ट्रिक जो आपको बताया। एस पी थ्री डी थ्री आई एफ सेवन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज सेवन, शेप होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एस पी थ्री डी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, आप लोगों का नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज सिक्स, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज वन, शेप होगा पेंटागोनल पिरामिडल और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, एग्जाम्पल एक्स जी एफ सिक्स। एस पी थ्री डी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज फाइव एंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज टू, पेंटागोनल प्लेनर होगा इसका स्ट्रक्चर, शेप सॉरी शेप जो होगा वो पेंटागोनल प्लेनर होगा, और एग्जाम्पल एक्स जी एफ फाइव माइनस, एक्स जी एफ फाइव माइनस। इसमें आपका एक होमवर्क रहा, इसका ज्योमेट्री देख लेना, ठीक है, किसका किसका देखना, ज्योमेट्री दो हाइब्रिडाइजेशन का देख लेना, ज्योमेट्री एस पी थ्री डी टू और एस पी थ्री डी थ्री का ज्योमेट्री देख लेना आप लोग। एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो एनसीईआरटी बुक से ही देख लेना ज्योमेट्री, ये होमवर्क रहा, ये कर लेना। बाकी ट्रिक मैंने बता दिया, ये ट्रिक पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी को बुक में मिल जाए मुझे ज़रूर बताना, नहीं मिलेगा नामुमकिन है ये, ना किसी बुक में मिलेगा या कोई नहीं पढ़ाता, ये मेरे टीचर ने सिखाया था, ये मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया उसमें बताया था, ठीक है, ये वो उनका काम ही था ये सब करना, अलग अलग ट्रिक बनाना और अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझाना। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, आई होप ये आपके काम में आएगा जो ट्रिक मैंने आपको बताया, और एक आध क्वेश्चन नीट 2021 में हाइब्रिडाइजेशन से आएगा, तभी इतना मैंने मेहनत किया, अदरवाइज नहीं करता, सच बता रहा हूँ। मेडिकल का कुछ लेक्चर अपलोड कर देता पर ये नहीं करता, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने ये बनाया। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।